अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू, कामरान यूसुफ और शहबाज राणा के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। ईद के बाद जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुई तो उसमें तेजी का रुझान देखने में आया। आज भी हमने देखा कि लगातार दूसरे रोज जो वहां पर कारोबार है उसमें तेजी देखने में आई और पहली मरतबा जो KSE 100 इंडेक्स है वो 80,000 जो मार्क है उससे वो क्रॉस कर गया। अब ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ ईद से पहले जो बजट आया था जिसमें टैक्सों की भरमार थी, मुख्तलिफ शोबों की तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल दिया जा रहा था कि इससे पाकिस्तान की मईशत अगर कुछ थोड़ी सी चल भी रही थी तो मज़ीद वो रुक जाएगी और मज़ीद जो टैक्सों का बोझ है वो लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये स्टॉक मार्केट में तेज़ी किस चीज़ को इंडिकेट करती है शहबाज? आम तौर पर ज़ाहिर है कि जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है कि किसी मुल्क की जो है ना वो मईशत वो ग्रो कर रही है। तो डू यू थिंक कि ये जो दो दिनों में हमने देखा है जो कुछ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को में हमें नज़र आया, ये इंडिकेट कर रहा है ग्राउंड सिचुएशन को इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की बात करें, स्पेशली बजट की बात करें? देखिए कामरान, मेरा एक बड़ा ही एक बहुत अरसे से मेरा ये व्यू रहा है कि जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है ना पाकिस्तान की इकॉनमी को रिफ्लेक्ट करती है ना जो ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये चंद बड़े ब्रोकर्स हैं जो प्ले करते हैं अपने हालात के मुताबिक, वो हर लिहाज से उस सिचुएशन का फायदा उठा लेते हैं क्योंकि साइज ऑफ द मार्केट इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे भी वहाँ पर अपेरेंट लिस्टेड कंपनीज तो हैं ना, लेकिन ट्रेडेबल शेयर्स कितने हैं और कितनी नई लिस्टिंग्स हो रही हैं वो एक बहुत ही एक नैरो बेस है ना, बहुत कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारी उस तरीके से एक नहीं है, वो डीप उसके अंदर नहीं है, हमारी डेप्थ नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। द पॉइंट हियर इज बजट से पहले जब ये खबर आना शुरू हुई कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कैपिटल गेंस टैक्स है उसमें हुकूमत इजाफा करने जा रही है तो स्टॉक मार्केट की जो आपने उसका जो इंडेक्स है वो रोज गिरना शुरू हो गया, वहां पे आपको बहुत ही बुरे हालात नजर आना शुरू हो गए। जब बजट अनाउंस हुआ तो उनको लगा हम तो बचेंगे, दुनिया डूबती है तो डूबे हमारा क्या, तो स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गया। एक तो इसके अंदर ये फैक्टर है, दूसरा फैक्टर इसके अंदर ये है कि जो कैपिटल गेंस के हवाले से कुछ जो थोड़ी बहुत चेंजेस भी आई हैं उसमें भी जो इन्वेस्टर्स अपने जो मनी है वो पार्क कर रहे हैं बिफोर 30 जून, ये भी एक फैक्टर इसके अंदर कहा जा रहा है। अब कितना ठीक है कितना नहीं है वो तो हम बाद में इस पर बात करेंगे। ओवरऑल अगर देखें इस वक्त हुकूमत के लिए अपने जो बजट का दिफा है वो करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुली ऑन बोर्ड है, ऑल दो वो सियासत अपनी पूरी कर रहे हैं, बेनिफिट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां जहां उनको मौका मिलता है, और मुझे अभी तक कोई एक ऐसा सेक्टर सामने नहीं आया जिसने आके कहा कि बजट बहुत अच्छा है। इवन के जो आपकी सैलरीड क्लास है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उनकी तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा भी हो, वो भी कह रहे हैं कि ये बजट अच्छा नहीं है। दिस इज़ अ यूनिक सिचुएशन, बुरे हालात का जो बजट होता है वो कोई अच्छा बजट नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया जिसका ना सर है ना जिसका पांव है, जिसको ना वजीर खजाना डिफेंड कर पा रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर डिफेंड कर पा रहे हैं, ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डिफेंड कर पा रहे हैं, बस जो भी सवाल हो आगे से ये जवाब होता है जी कि मजबूरी थी क्या करें। ये ऐसी मजबूरी नहीं थी जिस तरीके से इसको बनाकर पेश किया जा रहा है, यही वजह है कि जहां पर आज हम खड़े हैं हुकूमत के पास कोई ऐसा कोई च्वाइस नजर नहीं आ रही, हर तरफ से दबाव आ रहा है कि आपने जो टैक्सेस लगाए ये अनड्यू टैक्सेस हैं, इसको रिवर्स किया जाए। बट कामरा इसके अंदर खबर एक और ये है कि इन हालात के बावजूद भी जहां पे जो भी मुकद्दस गाय जो हैं जिनको हुकूमत प्रोटेक्ट करना चाहती है तो वो प्रोटेक्ट करती है। मैंने अपनी एक स्टोरी के अंदर एक लाइन लिखी थी, वो ये थी कि हुकूमत बजट से पहले कहती थी कि कोई भी मुकद्दस गाय जो है वो टैक्स से नहीं बचेगी, उल्टा इन्होंने जो गाय है उसके दूध पे टैक्स लगा दिया है और गाय का जो चारा है उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। तो ये हुकूमत की पॉलिसी है, एक्सपोर्टर्स एक हॉली कॉ थे जिसको उन्होंने टच किया और वहाँ पर भी ये रिवर्स करने चाह रहे हैं। दूसरी जो हॉली कॉ जो रियल स्टेट सेक्टर उसको कहा जाता है, कल एक इजलास हुआ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का, उसके अंदर खुद जो चेयरमैन FBR है उन्होंने ये कहा कि जी IMF की तरफ से हमारे ऊपर दबाव था कि जो रियल एस्टेट सेक्टर से जो कैपिटल गेन होता है, जो मुनाफा होता है, उसके ऊपर आप जो स्टैंडर्ड रेट है इंडिविजुअल का, सैलरी क्लास का तो 35% है, नॉन सैलरीड का 45% है, वो लगाएं। कहते हैं हमने उस प्रेशर को रेजिस्ट किया और आज भी, ये उनके अल्फाज हैं उस मीटिंग के दौरान, आज भी जो रियल एस्टेट सेक्टर की जो टैक्सेशन है वो एक मच फेवरेबल रेजीम है। तो यहाँ पे नतीजा ये निकलता है कि IMF का नाम इस्तेमाल करके अगर किसी क्लास को यहाँ पे मारा जा रहा है बुरी तरीके से वो सैलरीड क्लास है। हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोटेक्ट कर लिया, स्टॉक मार्केट को उस तरीके से टच नहीं किया, एक्सपोर्टर्स को टच किया और उससे वो पीछे हट गई। अच्छा, जहाँ तक रियल एस्टेट की, बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि जो अगर आप फर्ज करें कि आप एक साल पहले कोई प्लॉट खरीदा 50 लाख का और उसकी कीमत आज 80 लाख है या 80 लाख का आप बेचा, 30 लाख रुपए आपको इनकम हुई है,
तो जो 30 लाख ऑब्वियसली जो इनकम है ना, तो उस पर टैक्स इरिस्पेक्टिव कि कहाँ से आपको पैसा आया है, आपकी इनकम है उस पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन जो दूसरी आपने लेट से स्टॉक मार्केट की बात की या एक्सपोर्टर्स की बात की, इस पर काउंटर नैरेटिव ये भी है कि हमें इन सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से फर्ज करें कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, अगर आप देते भी हैं उनको एक डिस्प्रोपोर्शनेटली उनको इंसेंटिव्स देते हैं, और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो उससे फिर आपके जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला फॉरेन रिजर्व्स का है, तो क्या इसको देखने की जरूरत नहीं है? देखो कामरान, दो चीजें, आप इंसेंटिव करते हो उनकी इनपुट्स को, आप उनको मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि आप एक्सपोर्टर्स को एक सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो, सब्सिडाइज गैस दे देते हो, सब्सिडाइज लोन्स दे देते हो, उसके बाद वो अपनी एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो मुनाफा मिलता है। अब ये कौन सा मतलब दुनिया के अंदर एक निजाम आ गया है कि मुनाफे को भी सब्सिडाइज करो आप? ये कहां पे लिखा है? जो प्रॉफिट उन्होंने ले लिया उसके ऊपर उनको जायज टैक्स देने में क्या मसला है? मुझे आज तक इस लॉजिक की बिल्कुल समझ नहीं आई। ये जो हमें इन लोगों ने एक बेवकूफ बनाया हुआ है सबको कि जी हम मुल्क की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स ना करें तो मुल्क डूब जाएगा। वो जो रेमिटेंस बाहर से भेज रही है, जो ब्लू कॉलर आपका वर्कर मुल्क से बाहर काम कर रहा है, वो उसको तो आप कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे, वो आपको $30,000 साल का वो भी दे रहे, उसके लिए आपने क्या किया? वो जो ब्लू कॉलर के ऊपर तो टैक्स नहीं, देखिए होने के बराबर, मैं उनके इंसेंटिव्स की बात कर रहा हूँ ना, उनको तो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही ना, वो बेचारे तो पैसे वापस भेज रहे हैं। अब रेमिटेंस तो इनकम ही बाहर से हुई है ना, उसके ऊपर आपने क्या टैक्स लगाना है? वो तो इनकम पाकिस्तान में नहीं हुई, उसके ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है। वो ब्लू कॉलर वाला, उसकी फ्लाइट जब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे आती है, उसकी फ्लाइट अगर कतर से आ रही है, दुबई से आ रही है, किसी और मुल्क से आ रही है, उसको तो पाकिस्तान कस्टम, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और पता नहीं कौन कौन से इदारे जो उनको लाइन में खड़ा करके उनसे पैसे लेते हैं। ये इस मुल्क का निजाम है। ये कहते हैं कि जी हमारा जो उसका प्रॉफिट है, मैं भी इनकी वो शीट देख रहा था जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बनाई है, इनके इंडिया के अंदर खुद इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर तो इनका इस वक्त तो फिक्स है, प्रपोज जो है कि इनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाए। इंडिया के अंदर उन्होंने कहा है जी कि नो कंसेशन ऑन इनकम टैक्स रेट, ठीक है, ये पीबीसी के अंदर लिखा हुआ है इनकी जो इन्होंने शीट बनाई। हाउएवर ह्यूज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव आप दें, मुनाफे के ऊपर टैक्स लेने में क्या तकलीफ है? मुझे इस बात की लॉजिक की समझ नहीं आ रही। क्यों आज फिर प्राइम मिनिस्टर मिले हैं इन लोगों के साथ? क्यों आज इनको कंसेंसस देने की फिर दोबारा बात हो रही है? मेरी इतला यह है कि हुकूमत इस टैक्स से पीछे हट रही है। अब बांग्लादेश के अंदर भी अगर आप देख लें, जो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी बात हो रही है, 50% उनकी जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट और 50% वो टैक्स लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर ये रिजीम है, बाकी कंट्रीज के अंदर भी कुछ इसी किस्म के उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हुए। द पॉइंट हियर इज, आज खुरम तारिक साहब जो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे, वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग में आज उन्होंने एक जुमला वहां पे बोला, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है इस वक्त जिसके ऊपर उनका हम ज्यादातर लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वो 3-5% प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अभी आप फिक्स ले रहे हैं 1%, आप इसको 1.5% कर लें, बट वाई दिस इज क्वेश्चन। और वहां पर दूसरे उन्होंने बात बड़ी बात ये की, उनके जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो स्ट्रेटेजिक सॉरी एक्सपोर्टर्स हैं, उनके स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्टर्स, उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15-20% तक है, तो क्यों ना उनको फिर टैक्स किया जाएगा? अगर कोई 20% तक उनका प्रॉफिट मार्जिन है तो वो क्यों 1% अपने प्रॉफिट मार्जिन का देके निकल जाए? देयर इज अ मेजर डिस्पैरिटी, इसको किसी तरीके से भी सपोर्ट किया। और एक और चीज कामरान, हमने पिछले प्रोग्राम में गालिबन जिक्र भी किया था, हुकूमत ने 240 अरब रुपए का इनके ऊपर जो एक बोझ था क्रॉस सब्सिडी का वो खत्म कर दिया है, और उसके बाद भी अगर हुकूमत ने इनकम टैक्स रिवर्स करती देन दैट विल नॉट बी। जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो कि जो हमारी टैक्स बेस जो हम नहीं बढ़ाते, मतलब टैक्स बिल्कुल लगाना चाहिए लेकिन उन लोगों पर लगाएं, उन सेक्टर्स पर लगाएं जहां से आप टैक्स नहीं ले रहे, और ये जो सबसे बड़ी ज्यादती है कि वो सैलरीड क्लास हो या ऑलरेडी जो सेक्टर्स टैक्स दे रहे हैं आप उनको फर्दर टैक्स करें, और इसी वजह से यहाँ पर फिर इतनी एनोमली पैदा होती है। अब दूसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाना चाहते हैं, लोकल इन्वेस्टर को भी इनकरेज करना चाहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क के अंदर एक पॉलिसी जो आप बनाते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती। मसलन एक गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, अगली गवर्नमेंट आके या वही गवर्नमेंट आके इसको तब्दील कर लेती है। अब जैसे आपने कहा कि कोई भी जो शोभा है वो इस बजट से खुश नहीं है। आप ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, खास करके जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनाते हैं पाकिस्तान में, पिछले जो 2021 की नई पॉलिसी आई थी उसके तहत एटलीस्ट $150 मिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है।
अब वो भी शोर कर रहे हैं कि उस पॉलिसी को भी तब्दील कर लिया है, और सबसे बड़ा उनका कंसर्न ये है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं बाहर की दुनिया को कि अगर आप 150 मिलियन डॉलर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है और आगे फर्दर अगर होनी थी और आपने इन द मिडल ऑफ दैट पॉलिसी आपने चेंज कर दी है, तो आगे कैसे चलेगा मामला? देखिए कामरान, ये जो आजकल सेंट्रल स्टैंडर्ड कमिटी ऑफ फाइनेंस की जो प्रोसीडिंग्स है ना, वो एक चीज को रीअफर्म कर रही है। वो रीअफर्म ये कर रही है कि जो माइंडसेट है ना एफबीआर का, वो तब्दील नहीं हुआ। ये हर चीज को ऐसे लेते हैं जैसे कि इस मुल्क के अंदर कुछ गुनाह हो रहा है। कारोबार करना गुनाह नहीं है। ये कह देना कि अगर कोई बिजनेसमैन इस चीज पे रिजिस्ट करे कि आपने सेल्स टैक्स का रेट क्यों बढ़ा दिया, आपकी कमिटमेंट है, तो उसको ये कहते हैं आपने तो देना नहीं है, ये कंज्यूमर ने देना। इनको एक बुनियादी बात समझ नहीं आ रही कि जीएसटी देना तो कंज्यूमर ने है, जब वो जीएसटी लगेगा उसके बाद उस चीज की जो नई कीमत होगी कंज्यूमर की रेंज से बाहर हो जाएगी। जब उसकी रेंज से बाहर हो जाएगी वो नहीं खरीदेगा तो फिर बिजनेसमैन को हिट पड़ेगी। उसके खर्चे तो फिक्स्ड है, उसने बिजली का बिल देना है, गैस देनी है, इंप्लॉयज है, उसके स्टोर है, उसके बाकी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये कह रहे हैं आपने अपनी जेब से देना, ये इंतहाई फजूल लॉजिक दी जा रही है। आपने जिक्र किया ऑटोमोबाइल सेक्टर का, इस बजट में एक और जो चीज रिवील हुई कि ये जो बजट है गालबन शायद फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता कि क्या हुआ है। कल सेनेटर फैसल वाडा ने मीटिंग के दौरान एक बात की, उन्होंने कहा जी मैंने जो कंसर्न मिनिस्टर्स थे, जिसका मतलब उनका ये था कि राणा तनवीर हुसैन जो इंडस्ट्री मिनिस्टर और मोहम्मद औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका जी मैंने कंसर्न मिनिस्टर से बात की, उनको भी इस तब्दीली का नहीं पता। ठीक है, अब तब्दीली क्या हुई है? तब्दीली ये हुई है कि इस वक्त जो हाइब्रिड रिजीम है गाड़ियों का, जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, उसको प्रमोट करने के लिए हुकूमत ने एक पॉलिसी थी 2021 में, और उस पॉलिसी के तहत फिक्स्ड इनको कुछ रेट्स दिए गए थे सेल्स टैक्स के भी, और बाकी कुछ इंसेंटिव्स दिए गए थे। उसके अंदर जो हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर 8.5% सेल्स टैक्स था जो 2026 तक रहना था, उसको हुकूमत ने इसी साल ख़त्म कर दिया है। जिसकी वजह से जो कल मीटिंग में बताया गया और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बताया गया कि सर जो कामरान तीन कंपनीज जो हैं जो ये हाइब्रिड व्हीकल्स बना रही हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के नंबर्स हैं, कंपनीज के नहीं है, कि इनकी जो गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में जो आजकल बड़ी फेमस भी हैं, क्रॉस है इसकी, क्रोला क्रॉस की है, फिर इसकी सांटा एफई है स्मार्ट गाड़ी इसकी हुंडई वालों की, और तीसरी है इसकी हेवल है जो साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स वालों की गाड़ी, और इन तीनों की उनका जो कीमतें हैं और एन एवरेज 15% बढ़ जाएंगी, 14 लाख से लेकर 23 लाख रुपए तक कीमत में इजाफा होगा। आप एक फॉरन जो आपने एक पॉलिसी दी हुई इन्वेस्टमेंट की उसकी वायोलेशन कर रहे हो, आप गाड़ियों को कंज्यूमर्स की जो रेंज है उससे बाहर लेके जा रहे हो, और आप अचीव क्या कर रहे हो? ये जो टिंकरिंग होती है ना बजट के साथ, ये आपके एंड ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं हासिल होते इससे, और उसका नुकसान ये होता है कि आप इन्वेस्टर्स को भी डिस्करेज करते हो और कंज्यूमर्स को भी डिस्करेज। नुकसान की जो आपने बात की, तो जाहिर है कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे अली असगर जमाली साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडस मोटर्स के, और वो भी हमें बताएंगे कि उन्होंने भी कमेटी को बताया कि कैसे 4 वज़राए आज़म ने जैपनीज एम्बेसडर को पर्सनली एश्योरेंस दी थी कि जो पॉलिसी पाकिस्तान ने 2021 में दी थी उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अब इस बजट में उसको तब्दील किया गया है, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, खास करके जो हाइब्रिड व्हीकल्स बनाते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अब बात करेंगे हम कि इस बजट के अंदर जो हुकूमत ने कुछ ऐसी तजावीज़ दी जिससे यकीनी तौर पर जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है वो भी मुतासर हो सकता है। कुछ ड्यूटीज़ और कुछ जो एग्जेम्पशंस पहले मौजूद थी, खास करके जो इम्पोर्टेड व्हीकल्स, उसको विड्रॉ करने की तजवीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम मजीद जो टैक्सेस हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो लोकली प्रोड्यूस्ड कार्स हैं उनके ऊपर लगाने की बात हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली असगर जमाली साहब, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडस मोटर्स के, वन ऑफ द लीडिंग जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका जनरल व्यू लेना चाहूँगा, हाउ डू यू सी दिस बजट एज फार एज जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है और खास करके जो आपकी कंपनी है, किस हद तक इसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली ये अफेक्ट कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो जी बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। आई थिंक एक चीज़ तो हमें ये रियलाइज़ करनी चाहिए कि एज अ कंट्री हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इतना चैलेंजिंग बजट बनाना, आई थिंक आई विल गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड हिज टीम कि उन्होंने बनाया। आई एम श्योर जहाँ जहाँ पे टैक्सेस इंक्रीज होते हैं वो किसी को नहीं पसंद आते हैं।
लेकिन ऑटोमोबाइल में एक डिफरेंट इशू है जिसको मैं पहले अलग से बात करूंगा. बहुत सारी जगह पे टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं. आई थिंक वी ऑल हैव टू वर्क कि हमने इस मुल्क में काम करना है, इस मुल्क के लिए काम करना है. मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि आप टैक्स बेस को बढ़ाएं, उन्हीं लोगों को टैक्स ना करें जिस तरह सैलरी क्लास है उस पर मजीद कुछ टैक्स दिया गया. लेकिन आई थिंक इट वॉज बेटर देन लॉट ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशन. वो थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन अगर वो भी ना करें कि ये वही तबका इस पर करते रहते हैं, वही इंडस्ट्रीज पे हम करते रहते हैं. हमारे पास रिटेलर्स हैं, प्रॉपर्टी पे किया गया है, तो वो काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है. ऑटोमोबाइल पे तो पिछले दो साल से आई थिंक टैक्सेस की भरमार है, एंड आई थिंक पिछले दो साल से कॉन्स्टेंटली टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर आप देखें तो दो साल पहले हम 3.5 लाख पे प्रोडक्शन पे चले गए थे. एक हमारा एक एम था कि पहला टारगेट होना चाहिए कि 500,000 पे जाएं और फिर 1 मिलियन व्हीकल्स पे जाएं, जिसके बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल्स आते हैं. लेकिन हुआ ये कि जो 3.5 लाख आप ओवरऑल कह रहे हैं तमाम तो तमाम था, मैं इंडस्ट्री की बात इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं. तो 3.5 लाख की प्रोडक्शन हुई इस मुल्क के अंदर. और ऑब्वियसली एवरीबडी ऑफ आइंग कि 5 लाख की हमने कैपेसिटी लगा दी, लोगों ने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की, हम वहाँ चलेंगे. लेकिन वी हैड दिस क्राइसिस, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए तो फाइनेंसिंग बिल्कुल आउट हो गई. आजकल गाड़ी फाइनेंस करना इज कम्प्लीटली अनक्वेश्चनेबल, बट वो इंटरेस्ट रेट आहिस्ता नीचे आएंगे तो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी. फिर इन्फ्लेशन की वजह से जो इम्पैक्ट आया वो आया. तो आज सिचुएशन है कि 3.5 लाख से इस साल हम सिर्फ 1 लाख गाड़ी पे मार्केट क्लोज करेंगे. और अगर आप ये देखें इस 1 लाख गाड़ी में एक और इशू जिसमें काफ़ी बात कर रहा हूँ, 40,000 गाड़ी यूज़ कार आ रही है, तो वो एक अलग इशू है कि वो आई थिंक हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की उस पर काम करें. लेकिन एक इशू ये है कि हम जो भी टैक्सेस लगाएं वो एक अलग है, लेकिन अगर एक कंट्री कोई कमिट करती है, ठीक है, हमने उस कमिटमेंट पर स्टैंड करना चाहिए. 2021-26 की ऑटोमोबाइल पॉलिसी दी गई, जिसके अंदर जो है उस पॉलिसी का नाम दिया गया कि प्रमोशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. उसके अंदर गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट ये थी कि भाई आप नई टेक्नोलॉजीज को लेके आए, जिसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है, प्लग इन इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और चौथा ये था उसके अंदर कि एक छोटी गाड़ी भी लेके आए. अब हुआ ये कि कुछ $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई, जिसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमने लोकलाइजेशन भी की काफ़ी, हमने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए. मंशा साहब ने हुंडई उनका था, उन्होंने आई थिंक $15-20 मिलियन इन्वेस्ट किए. साजगार एक लोकल कंपनी है जो कि चाइनीज़ गाड़ियाँ बनाती हैं, उन्होंने कुछ $15-20 मिलियन इन्वेस्ट किए और हम हाइब्रिड गाड़ियाँ इस मुल्क में लेके आए. विद इन 6 मंथ्स हमने जो सरकार का कमिटमेंट है, गवर्नमेंट देखें, अगर मैं एज अ पर्सन कोई कमिटमेंट करता हूं तो एक वैल्यू होनी चाहिए मेरी या मेरा. अगर इदारा कुछ करता है, हम तो एज अ कंट्री कमिट कर रहे हैं कि ये पॉलिसी है, ये आपको ये है, आप इन्वेस्ट करें, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया. आपको मैं कतकलामी कर रहा हूं, इशू एट हैंड इस वक्त ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपको अश्योर किया कि जो सेल्स टैक्स के रेट्स और जो बाकी टैक्सेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे एक जगह के ऊपर, उसमें इजाफा नहीं होगा, जो कि बजट से पहले आपका रेट था 8.5% हाइब्रिड के लिए, जिसको बढ़ाकर अब इन्होंने कर दिया है 25%. तो आप कल जो सेवन स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग हुई, वहां पर आपने जिक्र किया कि 4 पाकिस्तान के वज़राए आज़म ने ये कमिटमेंट की आपकी कंपनी को और जैपनीज एम्बेसडर को कि ये रेट्स और ये पॉलिसीज जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी. ये कहानी क्या है, फिर ये रिवर्सल कैसे हुआ? तो सर मैं आपको थोड़ा सा थैंक यू आपने इसको देखिए 2021 में जब ये पॉलिसी आई तो उसी टाइम में हमने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया. हमने उस टाइम के वजीर आजम जो थे जैपनीज एम्बेसडर थे उनके साथ मीटिंग की गई. ऑब्वियसली उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर, काफी उस टाइम के जो मिनिस्टर थे वो सब थे, और उनको बताया गया इस पॉलिसी के तहत हम कर रहे हैं. उसके बाद एक थैंक यू का एड लगाया गया जो कि आई थिंक हर कोई हर अखबार में था, सबने देखा गया कि भाई इस प्रोग्रेसिव वाटर पॉलिसी के ऊपर हमने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है. फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो एंटरिम गवर्नमेंट नहीं पीडीएम 1 आई, तो उस टाइम पे मैं आप इस तरह जब आई पीडीएम 1 उस टाइम पे अगेन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम की पूरी जो कैबिनेट थी, जैपनीज एम्बेसडर, उनके सामने अगेन इसको रिट्रीव किया गया, कंफर्म किया गया. फिर जो इसके लॉन्च था उससे पहले अगेन प्राइम मिनिस्टर, जैपनीज एम्बेसडर और सारे मिनिस्टर के सामने जो टोयोटा का चीफ इंजीनियर था वो ऑल द वे जापान से आया हम गवर्नमेंट को थैंक यू करने के लिए कि इस पॉलिसी की बेसिस पे हमने इन्वेस्ट कर दिया है और आप प्लीज मेक श्योर करिएगा कि ये पॉलिसी कंटिन्यू हो.
और उस टाइम पे कमिट किया गया, अगेन उसको एस्टैब्लिश करके अखबार में हमने थैंक यू के एड्स लगाए जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन है और लेटर्स तमाम डॉक्यूमेंट है वेयर वी हैव कंफर्म के इस पॉलिसी के थ्रू हुआ है। तो ये पूरी स्टोरी है। चार प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ साहब से आपकी अभी फिर गवर्नमेंट की अभी मेरी इस सिलसिले में बात नहीं हुई है, लेकिन ऑब्वियसली एक अमेजिंग बात ये थी कि मैं जितने भी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज से मिला जो रेलिवेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, वो सब सरप्राइज थे कि हो कैसे गया। तो आई इट सीम्ड और कुछ और लोगों से जो मिला इट सीम के उनको किसी को ये बात पता ही नहीं है क्योंकि किया क्या गया। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने भी कल कमेटी में बोला कि हमें भी नहीं पता जी। अब मैं आपको बताऊं किया क्या गया कि अच्छा बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा क्योंकि पाकिस्तान में लोकल हाइब्रिड व्हीकल्स बनना शुरू हो गई है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है मेरे पास वो अपने डॉक्यूमेंट्स में भी है, तो मुकामी सनत को प्रमोट करने के लिए हम जो सीबीयू गाड़ियां हैं जो कि अच्छा उस पे से हम ये कंसेशन हटा रहे हैं। अच्छा वो सीबीयू गाड़ी को कंसेशन था 2013 से, 11 साल बाद उसको हटाया गया, जबकि आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग जिसकी पॉलिसी दी गई जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई जॉब क्रिएट की गई उसको आपने 6 महीने में हटा दिया। हटाया कैसे कि इस पूरे मुल्क में किसी को नहीं पता उसके अंदर शेड्यूल 8 जो सेल टैक्स का है, सेल टैक्स के शेड्यूल 8 के अंदर जाके एक लाइन आइटम है 73 जहां पे लिखा हुआ है लोकल मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स हाइब्रिड। फाइनेंस बिल में एक लाइन डाल दी गई कि दिस शैल स्टैंड ओमिटेड। तो ये बिल्कुल ही आई थिंक किसी की नजरों में नहीं था। अगर फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स कि अगर ये वाकई हाइब्रिड के हवाले से जो लोकल जो बन रही है गाड़ियां पॉलिसी चेंज होती है तो क्या इंपैक्ट आएगा, आपका कंसर्न क्या है? मसलन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट ये भी देती है कि अगर एक शख्स 10 मिलियन या 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है तो वो 1 करोड़ 15 लाख भी दे देगा, उसको क्या इतना बड़ा इशू है? क्या इंपैक्ट आएगा अगर ये रहता है तो? क्या आपकी जो प्राइसेस उतनी कंपेटिटिव नहीं रहेंगी, प्रॉब्लम हो जाएगा जो इन्वेस्टमेंट आपने की? सर देखिए दो तीन चीज है ना, पहले तो मैंने कहा एज अ कंट्री कमिटमेंट, ओके अ कमिटमेंट गोज डाउन द ड्रेन, ठीक है। मैं OICCI का भी मेंबर हूँ, मैनेजिंग कमेटी का, हम काफ़ी अरसे से FDI लाने की कोशिश करें इस मुल्क में, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रोड शोज करें। अब एज अ ओवरसीज को हम क्या, मैं कैसे जाके पर्सनली ये बात कर सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट लेके आए जबकि जिस इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड नहीं है। एंड बाई गिविंग ए पॉलिसी, देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए आज गवर्नमेंट ने फर्ज करें सेल टैक्स जो है 25% कर दिया गाड़ियों पर, मैंने एक दफा शिकायत नहीं की इस पर। वी अंडरस्टैंड कि मुल्क जो है वो उसमें, लेकिन जब आप एक कमिट करते हैं एक पॉलिसी कर देते हैं उसको हमें स्टैंड बाय करना चाहिए। अच्छा उस पॉलिसी के अंदर भी अगर फर्ज करें गवर्नमेंट कहती है ये पूरी पॉलिसी खत्म कर रहे हैं, हमने चेरी पिक किया एक आइटम उठाई, अब वो क्यों उठाई, क्या तकलीफ थी, क्या वजह थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक आइटम को उठा लिया गया, बाकी सब चीजें वहीं की वहीं हैं और जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। सेकेंड देखिए जब पॉलिसी बनाई गई थी तो बात क्या थी कि भाई एक प्रोग्रेसिव ऑटो पॉलिसी थी कि आइस व्हीकल जिसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, हाइब्रिड में उस पर थोड़े से हमने वो रखे, फिर प्लग इन हाइब्रिड में उससे कम, और ईवी पे बिल्कुल भी ऑलमोस्ट नो टैक्सेस है ताकि लोग इस तरह मूव करें, दैट्स नंबर वन। तो रीजन ये है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी महंगी है, तो दुनिया में हर कंट्री ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड को पहले प्रमोट करने के लिए ये इंसेंटिव दिए, कोई नई चीज नहीं है। सर जमाल साहब आपसे डिस्कशन जारी रहेगी नाज़रीन, ये एक बहुत ही बड़ा इशू बनता जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान कमिटमेंट कुछ करती है और बाद में बजट कुछ और आ जाता है, इसका गैर मुल्की सरमायाकारों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, गाड़ियां कितनी महंगी होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अली असगर जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडस मोटर्स के, और ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि बजट ऑफ कोर्स आपको पता है कि पास नहीं हुआ, एंड आई एम श्योर कि आपकी जो भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत चल रही होगी, तो क्या अब आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि सबसे बड़ा आपने खुद कहा कि जब एज अ स्टेट एक कमिटमेंट करते हैं तो उसको ऑनर करना पड़ता है, जब आप नहीं करते तो उससे फिर बाकी जो आपके शोबे हैं उस पर भी एक मनफी असर पड़ता है। सो आर यू होपफुल, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत से रेलिवेंट लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये हुआ कैसे है। देखिए मैं कभी भी होपलेस नहीं होता, तो
इन एवरी सिचुएशन आई एम होपफुल, और आई थिंक ये होपलेस होना जो है मेरे हिसाब से हमारे रिलीजन में भी जायज नहीं है. तो आई एम ऑलवेज होपफुल, आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह. आई थिंक बेसिकली यू आर आस्किंग द गवर्नमेंट के ये जो 8.5% से 25% सेल्स टैक्स गैस को रिवर्स किया जाए. दिस इज मैं सिंपल एक कह रहा हूँ कि आप फिगर्स को छोड़ दें, हम कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट की आपने पॉलिसी दी, ठीक है, उस पर स्टैंड करें बस, ठीक है, वो किसी के लिए भी हो. और अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती और वो कहते हैं जी कि IMF के तहत हम मजबूर हैं, तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि आप IMF के लिए सिर्फ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक के लिए मजबूर थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मजबूर नहीं है, छोटी गाड़ी पे मजबूर नहीं है, 16-21 की जो पॉलिसी दी है जिसमें आपने मैसिव इंसेंटिव दिए हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं, उसके लिए आप मजबूर नहीं है. तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स. तो आई होप सैनिटी विल प्रिवेल. एंड ये जिस तरह से किया गया है, क्योंकि किसी भी जगह इसको डिफेंड करना मुश्किल होगा. अच्छा, इसमें आपका जो इस वक्त एतराज है जरा कि आपकी पॉलिसी क्यों उन्होंने चेंज की, सिर्फ हाइब्रिड के ऊपर है या एक जो पॉलिसी हाइब्रिड एक जो उन्होंने चेंज की है पॉलिसी के पहले इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगाते थे, अब उन्होंने कर दिया कि वैल्यू के अगेंस्ट कर दिया कि जी ताकि उसको ट्रू रिफ्लेक्शन हो. अब उसमें यह है कि जो इवन जो छोटी गाड़ियां हैं जो पहले ही इतनी महंगी हैं वो भी गरीब आदमी के या जो एक मुतवस्त तबका है पहले ले सकता वो भी नहीं ले सकता. डू यू थिंक ये भी डिविएशन है उस ऑटो पॉलिसी से? सर देखिए, वो दैट वॉज नेवर द पार्ट ऑफ द पॉलिसी. ठीक है, जो चीज सही है मैं उसको सही कहूंगा, जो चीज गलत है उसको गलत कहूंगा. सो दैट्स अ चेंज इन अ यूनिवर्सल पॉलिसी. दैट इज अ यूनिवर्सल पॉलिसी. उन्होंने कहा कि हम हैव नो प्रॉब्लम, हालांकि चीजें गाड़ियों से ही महंगी. देखिए महंगी हो गई ना, लेकिन मैंने भी तो इसी मुल्क में रहना है ना. ठीक है, इसी मुल्क के हम बाशिंदे हैं. हम उस चीज को अगर कल FBR कहती है कि यार कलेक्शन करना है, ठीक है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि 2 लाख गाड़ी बेचे हम तो उसको FBR को ज्यादा कलेक्शन होगी निस्बत हम 1 लाख गाड़ी बेचे. अब वो आपको मसला नहीं से होगा, मुझे मसला है. कंजम्पशन कोई क्राइम नहीं है किसी भी दुनिया के अंदर. यहाँ पे कंजम्पशन को जिस तरीके से टैक्स किया जा रहा है, स्टैंडर्ड 18% है मोबाइल फोन के ऊपर, 25% है गाड़ियों के ऊपर, 25% है कुछ कपड़ों के ऊपर भी 25% है. दिस पॉलिसी इज रॉन्ग. बट मूविंग ऑन, कल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने वहां पे मीटिंग के दौरान कुछ उन्होंने दादोशुमार दिए कि अगर ये टैक्स रहता है तो गाड़ियों की कीमत कहां चली जाएगी. एक तो प्रिंसिपल की बात होगी ना, वो तो अपनी जगह पे आपका कायम है कि जी प्रिंसिपल जिस चीज पे पाकिस्तान ने जापानीज के साथ वादा किया वो पूरा किया जाए. जापानीज नहीं, चाइनीज के साथ, कोरियन के साथ, बिल्कुल तीनों कंट्रीज के इन्वेस्टर्स के साथ. आपकी कंपनी के दो इस वक्त जो वेरियंट है, जो आपने क्रोला क्रॉस HEV और क्रोला क्रॉस इसकी 16 लाख से 20 लाख रुपए गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस मुल्क से खत्म हो जाएगी, ठीक है, और इसके बाद कोई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इस मुल्क में नहीं आएगी. हम अपने मुल्क को पीछे खींच रहे हैं. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है. ये क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने भी इसको 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 सपोर्ट किया था हमेशा के लिए. और ये पाकिस्तान का फ्यूल बिल बचाती है, 50% आपका फ्यूल बिल कम करती है. तो मसला ये था कि इसको बड़ा सोच समझ के गवर्नमेंट ने बनाया था और गवर्नमेंट हैड ए इंटेंशन टू इट. अब वो प्राइस, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्राइस इसकी जो आप ये पूरा लगा दें, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इस मुल्क से खत्म हो जाएगी, ठीक है. और मैं मुझे देखें, आपकी पॉलिसी के 2 साल रह गए, उसके बाद आप चाहे ना आप जो चीज करना है करें, मुझे नहीं उस पर एतराज, वो सबके लिए होगा. आप 2 साल इंतजार. अच्छा, आपको टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस, देखिए हमारे यहाँ हमेशा वो डिबेट, आपने खुद भी जिक्र किया इम्पोर्टेड व्हीकल्स का 40,000 वो आई, एक डिबेट हमेशा चलती रहती है. क्वालिटी की भी हमेशा इधर वो बात होती है. और फिर जाहिर है कि आप बहुत अरसे से लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों को मैन्युफैक्चर कहना ही गलत है, आप असेंबल करते हैं. तो ये जो डिबेट है हमारे यहाँ, जब फ्लक्चुएशन होती है डॉलर और रुपये की और पैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, इतने अरसे से जितने आप पुराने इस इंडस्ट्री में हैं, लोकली कितना लोकलाइज है हमारा जो ये ऑटोमोबाइल का सेक्टर है? सर देखें, मैं आप सेक्टर की बात करेंगे, मैं सेक्टर को जो है ना 2 हिस्सों में ब्रेक करना चाहूंगा. एक है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स और एक है न्यू एंट्रेंट. जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स नाम आते हैं टोयोटा, सुजुकी, होंडा, मैं अब अपनी बात कर लेता हूं. अगर हम ये कहें कि एक गाड़ी शीट मेटल की शीट से बनना शुरू हो, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी बने पाकिस्तान में, इसको फिर आप असेंबलर कहते हैं, मैन्युफैक्चर कर लें, आई थिंक वो इट्स वर्ड. मगर मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस शॉप हमारे पास है. हम गाड़ी जो करोला और यारिस बनाते हैं वो चादर की शीट से शुरू, चादर भले उसकी इंपोर्टेड है कि रॉ मटेरियल इस मुल्क में नहीं है. तो पहली बात तो ये होगी. अब फिगर्स में जाएं तो आई कैन से 60% वैल्यू में करोला लोकलाइज है,
आपका जो इंजन है और गियर है दो बड़े जो पार्ट्स है वो बाहर से आप इम्पोर्ट करते हैं जो आपकी प्राइस का बहुत बड़ा उसे देखिए ना अगर मैंने आपको बता दिया कि मेरा मोर देन 60% वैल्यू लोकल परचेजेस है जो मैंने कल भी शायद आप थे मैंने कहा कि मैं एवरी सिंगल वर्किंग डे 25 करोड़ रुपए का माल 25 करोड़ के पार्ट्स पाकिस्तान के लोकल वेंडर से लेता हूं ओके और दीज आर फैक्ट्स अब इसका ठीक है बहुत बड़ा फैक्टर होगा लेकिन अगर 64% ये है तो 36 ही रह गया ना वैसे गवर्नमेंट ने एक और भी टैक्स लगाया है जो 2.5% सप्लाईज के ऊपर भी लग गया है एडिशनल टैक्स आपको हिट करेगा जब या नहीं करेगा वो सर मैं आपको एक चीज बताऊं ना कि ये सबसे बड़ा इश्यू जो था ना ये जो आया वो था हाइब्रिड इलेक्ट्रिक राइट बिकॉज बाकी सब चीजें अक्रॉस द बोर्ड लगी है तो मैंने जिस तरह पहले कहा अक्रॉस द बोर्ड आपने कोई चीज लगाई है मुल्क के लिए लगाई है मैं आई एम अ नेशनलिस्ट ओके फॉर मी पाकिस्तान कम फर्स्ट देन कम्स माई इंडस्ट्री लेकिन बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपके व्यूज आगे पाकिस्तान कम्स फर्स्ट लेकिन पाकिस्तान के नाम का जो अब्यूज हो रहा है और हुकूमतें पाकिस्तान करती है ये सिलसिला भी रुकना चाहिए पाकिस्तान ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई थी जून 2023 में वो नोटिफाई हो चुकी थी आज तक क्यों गैर मुल्की सरमायाकारी SIFC के जरिए नहीं आई यही सबसे बड़ी वजह है कि हम कमिटमेंट कुछ करते हैं और एक्चुअली हमारे जो एक्ट्स हैं वो कुछ और होते हैं जब तक आप फॉरेन इन्वेस्टर को उसको पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी नहीं देंगे आप उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देंगे आप उसको सिक्योरिटी अश्योर नहीं करेंगे और सबसे बढ़कर कंसिस्टेंसी इन टैक्सेशन एंड एनर्जी पॉलिसीज नहीं देंगे कोई भी गैर मुल्की सरमायाकार जो वो पाकिस्तान में नहीं आएगा कहानी यहाँ पे सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर की नहीं है कल के प्रोग्राम में मैं आपको एक और हम स्टोरी बताएंगे कैसे पाकिस्तान में सोलर पैनल के हवाले से गैर मुल्की सरमायाकारी को रोका जा रहा है वो भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जिसके ऊपर हम कल के प्रोग्राम में बात करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे पुअर सैलरीड क्लास का स्टे विद अस के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं जो सैलरी क्लास है ऑफ कोर्स वो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रपोज किया है कि मजीद उनके ऊपर टैक्स लगाने चाहिए और अब तो जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उन्होंने भी ये शिकायत की है लेकिन अपेरेंटली हालांकि बजट अभी पास नहीं हुआ तो शायद लोगों को ये तवक्को है कि मे भी इस दबाव की वजह से कोई तब्दीली आए लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो शायद इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं क्योंकि कल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो एडिशनल हमने 1500 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए हैं उसमें तो जो सैलरीड क्लास पर बोझ डाला है वो सिर्फ 70 अरब रुपए है देखिए फाइनेंस मिनिस्टर की जो लॉजिक किस हद तक दुरुस्त है या नहीं वो तो बाद में बात करते हैं बट जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने 2-3 बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज किए उन्होंने कहा पाकिस्तान से इस वक्त जो माइग्रेशन हो रही है टैलेंट की या ओवरऑल जो वर्कर्स जिसमें आपके स्किल्ड वर्कर्स भी हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं उसमें 119% इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से उनका जो पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और टैलेंट का लॉस हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से एक टैक्सेशन हो रही है इस क्लास के ऊपर जो कि ग्रॉस इनकम के ऊपर आपने टैक्स देती है और जिसको किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज नहीं है उसको आप टैक्स कर रहे हो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट जो है वो तो अपना जो बोझ है तनख्वाहों का वो बर्दाश्त कर सकती है कर्जा लेके लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है दो चीज़ें होगी ना एक तो उन्होंने कहा जी कि आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क के अंदर से फिर जो लोग बाकी रह जाएंगे तो अगर उनको कंपनीज को भी तो तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी ना अगर उन्होंने टैलेंट को रिटेन करना है तो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम इनकी तनख्वाहें बढ़ा सकें तो ये खुदारा ये इस तरह के जो फैसले हैं इसको सोच समझ के लाइटर नोट हो सकता है कि जो बजट बनाने वाले हैं उनकी यही स्ट्रेटजी हो कि इस तरह का बजट बनाएं कि पाकिस्तान से मैक्सिमम लोग चले जाएं तो जब कम लोग रह लेंगे तो फिर बाकी जो बच जाएगा तो फिर आपस में बांट लेंगे हो सकता है ये भी एक हिकमत अमली हो आप ये कह रहे हैं कि गलियां हो जन सुनिए विच मिर्जा यार फिरे बरल नाजिन ये सैलरीड क्लास के पास सिर्फ एक आवाज़ ही बची है वो जिस हद तक उसको रेज कर सकते हैं वो करेंगे एक हम सैलरी क्लास में चूंकि जलस पे आते हैं तो एक हमारे पास ऑप्शन होती है लिखने की तो उसको भी हुकूमत ने कर्टेल करने की कोशिश की है जो न्यूज़ प्रिंट्स के ऊपर न्यूज़पेपर्स के ऊपर 10% सेल्स टैक्स जो है वो लगा दिया गया है और आज अब सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में ये मामला रेज हुआ न्यूज़पेपर्स के ऊपर 10% सेल्स टैक्स का जो सबसे इंटरेस्टिंग लॉजिक दी वो थी सेनेटर फारूक एच नाइक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं सेनेटर उन्होंने कहा जी न्यूज़पेपर अगर बंद होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है अब इस मुल्क में न्यूज़पेपर पढ़ता कौन है जिस मुल्क में पॉलिसी मेकर्स की ये अप्रोच हो उस मुल्क में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे एजुकेशन और अवेयरनेस को फरोग मिलेगा फाइनेंस मिनिस्टर जब हामिद मीर साहब के शो पे कल गए तो उन्होंने क्या कहा ये मुझे तो इसमें मैं अगर कॉन्ट्राडिक्शन भी कहूं तो ये छोटा लफ्ज होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है कामरान
नंबर वन वो कह रहे हैं जी कि हमने 6 लाख की जो स्लैब है उसको रिटेन रखा है, जो एग्जेम्पशन की थ्रेशहोल्ड है जहां से ऊपर आपको टैक्स लगता है वो 6 लाख, क्योंकि उसको हमने रिटेन रखा है। रिटेन रखने का ये है कि अगर उसको बढ़ाते तो सैलरी क्लास को फायदा होता, तो रिटेन रखने से तो नुकसान हुआ, मुझे उनकी इस आर्ग्यूमेंट की समझ नहीं आई। दूसरी बात उन्होंने ये कि हमने 35% की जो टैक्स स्लैब है उसको नहीं बढ़ाया, उसको हमने रिटेन रखा है, ठीक है। लेकिन जो वहां पे चलाकी हुई, जो एक नाजरीन हुकूमत हमेशा काम करती है, चलाकी ये हुई कि जो 5 लाख रुपए से पहले ज्यादा आपकी महाना आमदन होती थी तो उसके ऊपर 35% रेट लगता था, अब वो अगर आपकी महाना आमदन 3,41,000 रुपया है तो उसके ऊपर आपको 35% रेट लगेगा। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर ये कैसे कह रहे हैं कि हमने 35% की स्लैब को प्रोटेक्ट किया। और लास्टली जो उनका जो आर्ग्यूमेंट है, क्या हुआ कि अगर 70 अरब सैलरीड क्लास और दे देगी, हमने तो सिर्फ जो ओवरऑल जो टैक्सेस लगाए हैं 1500 से 1600 अरब, उसमें 70 अरब तो कुछ भी नहीं है। एक गरीब बंदा जिसके पास खाने की 2 रोटियां हैं और जब उसे आप दोनों में से एक या 1.5 रोटी वापस ले लेंगे और आप कहेंगे जी बाकी जगहों से भी मैंने 100 रोटियां इकट्ठी की हैं, तो क्या हुआ आपसे मैंने 1.5 रोटी वापस ले ली है? मेरा ख्याल इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है। अभी भी वक्त है, हुकूमत को चाहिए कि अपनी टैक्सेशन की जो पॉलिसी है सैलरीड क्लास के हवाले से उसको रिव्यू करें, अदरवाइज जो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है वो तो हो ही रहा है। यहाँ आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे और कामरान यूसुफ को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।